आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। आप बिहारी हो पर देश में नौकरी करते हो, अपने गांव में कोई रोजगार करना चाहते हो पर मजबूरियां बहुत हैं। वहां परदेश में सबकी गालियां खा खा कर मन करता है अपने गांव भाग जाऊं। तो सुनो, परदेश में नौकरी करने से कुछ नहीं होने वाला, गांव लौटो, अपना रोजगार का सपना पूरा करो, क्योंकि तुम्हें इंतजार है ना उस दिन का जब तुम्हारा ख्वाब तुम्हारी आंखों के सामने पूरा होगा, जिसे पूरा करने के लिए लोगों ने हिम्मत देने के बजाय तुम्हें बस तोड़ा है। तो याद रखो, जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। तो अब हटा अपनी आंखों से सारे पर्दे, अपने ख्वाब को सच कर दे, ध्यान सारा लक्ष्य पे रख और दिमाग में कुछ ऐसा भर दे, भले ही तुझे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लड़ना हो तो दिखा अपनी वो हिम्मत जिसमें जरा भी डर ना हो। मेहनत कर दे दुगनी हर रोज, अब दिल से तू नहीं दिमाग से भी सोच, क्योंकि सोच सोच से इंसान ऊंचाइयां चूमता है। बस वैसा मत बनना जिनकी जिंदगी असंभव से शुरू और खुद की किस्मत कोसने पर खत्म हो जाती है। तू बिहारी है, तूने बहुत रोक लिया खुद को, अब चल, देखा जाएगा कैसा होगा आने वाला कल। क्यों तू इतना डरता है एक रोजगार को शुरू करने से? तू क्या चाहता है, जिंदगी भर किसी का नौकर बनकर रहेगा? क्या तुम अपने बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते? एक बात जान लो, हो सके तो गांठ बांध लो, कितनी भी गरीबी में क्यों न पले हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा अमीरी में कटना चाहिए और ये जिम्मेदारी तुम्हारी। गांव लौटो, अपने जिस्म में एक नई ऊर्जा भर लो और आगे बढ़ो। अपने जुनून को पूरा करने में ऊंची इमारतों से पुराना आंगन अच्छा, तेरे शहर के जहर से मेरे गाँव का मौसम अच्छा, क्योंकि जितना कठिन परिश्रम होगा उतनी ही शानदार जीत होगी, और तुम जीत सकते हो, बस अंदर बैठे डर को भगाना है। परदेश में रहकर ना इज्जत कमा पाए ना पैसा बचा पाए, तो अब सोच लो, जिद तो जिद ही सही, आत्म सम्मान के लिए अब कुछ भी नहीं। सिर्फ एक शख्स बनकर मत जीना, बल्कि एक शख्सियत बनकर जीना, क्योंकि शख्स तो मर जाता है मगर शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। अगर नशा भी करना है तो मेहनत भी करना, यकीन मानना बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। अगर लगता है मेरा परिश्रम फल नहीं दे रहा तो अर्नोल्ड की एक बात हमेशा याद रखना, हर रोज बॉडी बिल्डिंग करते वक्त होने वाले दर्द मेरे लिए दर्द नहीं था, बल्कि वो दर्द मेरी सफलता की कीमत था। इसलिए अपने होने वाले दर्द से कभी घबराना मत, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि क्या करना है तो अपने दिल की सुनो, उसे पता है कि सच में तुम्हें क्या बनना है। बहुत मजदूरी हो गई, बहुत दूसरों की गुलामी कर ली, अब अपना बिजनेस करना है। मत डरो, बस ये सोचो, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ संभल चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। चंद हजार की नौकरी करते हैं, माँ से दूर रहते हैं, छुट्टी मिलती है तो जाते हैं, मोहताज है उस पेन के उस कलम के कि अगर सिग्नेचर होगा तो माँ से मुलाकात होगी। कब तक मोहताज बने रहना है, चॉइस आपकी है, या तो मालिक बनो या तो नौकर ही रहो। नाम और पहचान बेशक छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। अपने आप को इतना जबरदस्त बनाओ कि तुम्हारे माँ बाप छाती ठोक के दुनिया को बताएं कि ये मेरी औलाद है। जो नहीं हो सकता वही तो हमें करना है, अपनी जिद को जुनून में ही तो बदलना है। बिहारी है तो याद रख, तू पैदा ही गरीबी में हुआ है, तू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तूने कोयले की खानों से हीरे को तराशा है। क्या मुश्किल है, सपने पूरे नहीं होंगे ऐसा मत सोच, रात को रात मत समझ, पहाड़ तोड़कर सड़क तूने भी खोदा है। तू उठ निकल, इससे पहले तेरा वक्त निकल जाए, घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर भी उड़ सका बस वही जिंदा है। याद रखना, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। अपने काम पर विश्वास रखना, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना, एक IAS ने बड़े कमाल की बात कही, आप ज्यादा पढ़ने से IPS नहीं बनोगे, बल्कि आप सही चीजों को पढ़ने से IPS बनोगे। ठीक उसी तरह आप ख्वाब देखने से बड़े नहीं बनोगे, जागती आंखों से ख्वाब को पूरा करने से बड़े बनोगे। और अगर ये शहर वाली नौकरी की इजाजत जमीर नहीं दे रहा तो मत कर, क्योंकि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना हुआ, जब से शहर में कमाना हुआ। भाइयों, परदेश में रहकर जवानी तो निकाल लोगे पर बुढ़ापा तो गांव में ही कटेगा, तो उस गांव में उस वक्त क्या करोगे?
इसलिए तैयारी अभी से शुरू करो कि बुढ़ापे में किसी का मोहताज ना होना पड़े। बुरी बात यह है कि समय कम है, पर अच्छी बात यह है कि समय अभी भी है। और अगर गांव इसलिए नहीं जाते कि लोग वहां बुराई करते हैं, तो उनसे कहना, बेटा दिल खोल कर बुराई कर मेरी, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। माना कि बिहार में रिसोर्सेज की कमी है, नौकरियों की कमी है, पर उसी में रोजगार करना होगा। कब तक दूसरे राज्यों में घूमते फिरेंगे? आप अपने ही गांव से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मसाले का बिजनेस, पानी का बिजनेस, खेती या कोई भी काम जो आप जानते हो। इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे निकल रही है। बस ये बात याद रखना कि अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। और कोई काम किसी दूसरे के भरोसे मत करना, क्योंकि किसी को पानी लेने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। याद रखना, दूसरों से उम्मीद करोगे तो हार जाओगे, उम्मीद खुद से रखोगे तभी जीत पाओगे। किसी दो कौड़ी के इंसान के पीछे भागने से लाख गुना अच्छा है अपने सपनों के पीछे भागो, क्योंकि दुनिया में लगभग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलना लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। जब आपके इरादे बुलंद हैं, तो कोई माइक का लाल आपको हरा नहीं सकता। अकेले ही लड़ाई लड़नी है, ये जिंदगी की लड़ाई है, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। मायूस मत होना बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, और तू तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं। अरे ठोकर नहीं खाओगे तो जानोगे कैसे कि पत्थर के बने हो या शीशे के। और याद रखना, तुम टूट नहीं सकते। अभी बहुत से लोगों के और भ्रम तोड़ने हैं, अभी बहुत से लोगों को और गलत साबित करना है। जवान हो बेशक जवानी के मजे लेना, लेकिन मजे लेना और भविष्य बर्बाद करने में फर्क पता होना चाहिए। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और परदेश में बिहारियों को कितना इज्जत मिलता है, ये किसी से छुपा नहीं है। कहते हैं, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। अब आपको इज्जत कमाना है या गंवाना है, फैसला आप करो। जिद है तो जिद ही सही, आत्मसम्मान के आगे कुछ भी नहीं। गांव आकर अपना रोजगार करो, दो चार लोगों को रोजगार दो, फिर देखो हर कोई तुम्हारी मिसाल देगा। आलस और डर तेरे साथ होगा तो एक दिन विनाश होगा, हिम्मत और मेहनत तेरे साथ होगा तो किस्मत भी लाजवाब होगा। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। जिंदगी में सबके साथ कंप्रोमाइज कर लेना, पर कभी भी अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज मत करना। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर को सुखाने की औकात नहीं रखता। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। सफलता कभी भी हाइट, बॉडी और लुक देखकर नहीं मिलती, ये केवल हमारे ज्ञान और हौसलों पर निर्भर करता है। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान मत होना। हालात से हार जाओ, तुम वो इंसान नहीं हो, क्योंकि ताकत से बड़ा कोई नशा नहीं होता। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। भीड़ तुम्हारे पीछे एक दिन जरूर आएगी, बस तुम्हारे अंदर अकेले चलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। निशाना चांद पर लगाओ, अगर चूके भी तो सितारे तुम्हारे झोली में गिरे। सब जानते हैं बिहारी है तो हमारे शहर ही आएगा, पर कोशिश तो सबकी जारी है। अब वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी है। बिहारियों ने अगर अपना इतिहास दोहरा दिया ना, तो सम्राट अशोक फिर से जीत का तिरंगा लहराएगा। रोजगार देना चाणक्य बनकर सिखाएगा। पढ़ाई में आर्यभट्ट याद आएगा। बिहारियों के आत्मसम्मान को इतना ठेस मत पहुंचाओ, वरना फिर कोई शेर शाह सूरी बन जाएगा। गुलामी तो हम अपने माँ बाप की करते हैं। हम दुनिया के लिए कल भी बादशाह थे और आज भी बादशाह हैं। पर दोस्तों, बादशाह बने रहने के लिए सपने पूरे करने होंगे। हालातों से लड़ना होगा, गिरना होगा, संभलना होगा, चलना होगा, दौड़ना होगा, फिर वही मुकाम हासिल करना होगा जिसे बिहारियों को आज भी इतिहास याद करता है, और वही बिहारी बनना होगा। अगर आराम की जिंदगी चाहोगे तो तरक्की तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि रोजगार खेल नहीं है बच्चों का, जिसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। और हमें अगर ऊपर उठना है तो बिहार को ऊपर उठाना होगा, बिहार में ही रोजगार लाना होगा, सपनों को पूरा करना होगा। बस यही एक तरीका है बिहार को तरक्की की तरफ मोड़ने का। अपने हाथों से अपनी खुशियों को लाना होगा, बिहार में कुछ कारोबार तो लाना होगा, ताकि बिहारी भी अपने परिवार के साथ इज्जत के साथ जी सके।
उन्हें परदेश जाने की जरूरत न पड़े, अपने बीवी बच्चों को माँ बाप को अकेले छोड़कर उन्हें यूँ बेसहारा परदेशों में भटकना न पड़े। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, अब कैसे बताएं कि कमाने के लिए परदेश जाते हैं तो दिल यही छोड़ जाते हैं।